आपकी अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ साथी? मैं अपना मॉर्निंग शो करके घर पहुंची थी और अम्मी ने गरम गरम रोटी ऐसे करके निकाली, कहा कि बस जल्दी से मेकअप उतारो और तुम खाना खाने आओ। तो आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन वो मेरे निकाह के बाद से कहती थी इसकी रुखसती नहीं देखूंगी, रुखसती नहीं देख सकती मैं इसके। और मेरा पूरा ससुराल हैरान था, क्यों भाई इतना प्यार करती रुखसती? और मेरी शादी को सिर्फ 12 दिन ही तो रह गए थे, तो उसी की तैयारियां भी चल रही थी। और मैं बिल्कुल यकीन में वो मैंने बैग रखा है और मैं उस दिन लेट हो गई थी, ऑलमोस्ट असर इन मगरिब के दरमियान में मैं घर पहुंची, शॉपिंग करती भी तो अम्मी पहले चीख रही थी कि तुम लेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब हम जल्दी से रोटी डालें तुम खाना खा लो। उनको हमेशा ये होता था खाने को इंतज़ार नहीं कराना। पापा ने मुझे आवाज़ ही पापा कहेंगे इनको, अब वो यूँ कह बार बार कह रही मेरे सीना जल रहा है इनको। तो मैंने कहा अम्मी आपको फिर हार्ट बर्न हो रहा होगा, चेक करवाए कि आपका खाने का हाजमे का मसला है। वो कह के मैं मुड़ी हूँ और अम्मी की मेरी आंखें मिली हैं, अम्मी ने कहा हम आ रहे हैं। वो वॉशरूम से, वो काश मैं उनको ना जाने देती उस वक्त, वो वॉशरूम से वापस आई हैं और मेरे ही हाथ पे उन्होंने वो जो सेंटर पे सोफ़ा था और वो लेटी और उन्होंने हाथ रखा और मुझे देख के प्यार किया, कहा कि ए जी हम जा रहे। पापा को वो ए जी कहती थी। वो इतना सडन था मेरे लिए वो सारा कुछ कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या है। पूरा कलमा पढ़ा उन्होंने, पूरी नादे अली पढ़ी उन्होंने, कहा हमारे मौला आए ले ले, शादी वैसी करिएगा, तुम वैसे ही तैयार हो ना, और मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने। और तुम सोचो मैं फ़ोनों पे फ़ोन अपने सारे भाई बहनों को मिला रही हूँ, जो लड़की थी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई लाइन पे नहीं आया। अम्मी मेरे हाथ में ऐसे पापा को देखते देखते उनकी आंखें ठहर गई, पापा आगे बढ़े आंखें बंद की, कहेंगे बेटे इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते, डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होगा हमें। लेकिन बता सादिया, ऐसे लोग खुश नसीब होते हैं। उन्होंने और अम्मी की डेथ सर्टिफिकेट पे मेरे साइन, मेरे वाले साहब ने कहा ये काम भी आप ही कीजिए। पापा टूट गए थे, 40 साल का एक जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, हम बच्चों को लगता है असल में हम टूटते हैं। मैंने अपने वालिद को उस वक्त बिखरते हुए देखा जिस वक्त मेरी माँ की आंखें बंद हुई, मैं पापा को देख रही थी, पापा के को अम्मी ने ऐसे चिराग की तरह अपने हाथ पे रखती थी, ए जी कैसे हैं, ए जी की रोटी डल गई, ए जी की चाय लेट ना हो, ए जी कहते, हम कहते अम्मी आपने क्या कर दिया पापा को, 4 से 1 मिनट लेट होती चाय तो पापा चाय नहीं पी रहे, पापा खाना नहीं खाएंगे, इस तरह हथेली का छाला बनाया था। और मेरी वालदा के बाद पापा ऐसे हो गए थे कि दे दोगी खाना तो खा लेंगे, नहीं मिल रहा तो तुम्हें। 3 साल पापा के लिए वो जिंदा रहना, हम हैरान थे वो कैसे। ये कह रही ना इनके बेटे भाई के बाद वालदा गई, मेरे पापा को लिवर कैंसर हो गया, कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा असर आ, वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो गया अपनी बीवी का दुख लेके। हमसे बहुत बड़ा दुख हमारे बाप का था, हमने माँ खोई थी, उन्होंने अपना दोस्त अपना साथी अपना पार्टनर खोया था जिससे वो हर बात करती थी, उनकी छोटी छोटी सी जो नोकझोंक होती थी ना, हम उसमें कितनी बातें हम सीख लेते थे, पर बहुत गलत वक्त पे गई, बहुत गलत वक्त पे गई। हमें तो कभी नहीं लग सकता कि हमारे माँ बाप सही वक्त पे गए, जाहिर है माँ बाप तो माँ बाप तो है, उनको कदर करनी उनको चाहिए, कदर करनी बस चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि चलो अल्लाह ने सबकी लिखी है मौत जाहिर, और इज्जत से अल्लाह ताला दे, कम से कम ये तो उनको सुकून होगा उनके जाने के बाद। बिल्कुल, आज अगर अम्मी नहीं है तो हमें सुकून ये है कि चलो जितनी हम खिदमत कर सकते थे हमें मौका था, बेस्ट दिया, हाँ हमने अपना बेस्ट किया। सबको चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे। बिल्कुल, ये जो आजकल का जमाना है मैं देखती हूँ ना, नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में, नहीं है ना वो माँ बाप की कदर करते हैं। मेरे ख्याल में हम लोगों ने अपने माँ बाप को चाहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे हमें चाहेंगे। पता नहीं, शायद उनका तरीका और उनका तरीके का अलग होगा, चीन है ना।